क्रिकेट की दुनिया में किसकी क्या पोजीशन है, किसकी तरक्की हुई, किसकी तंदेली हुई, इस हवाले से आईसीसी ने टेस्ट क्रिकेट की नई रैंकिंग जारी कर दी है। के टेस्ट स्क्वाड के नायब कप्तान सऊद शकील ने बैटिंग रैंकिंग में लंबी छलांग लगाकर दुनिया के टॉप 10 खिलाड़ियों में शामिल हो गए हैं। नुमान अली भी टेस्ट क्रिकेट की बॉलिंग रैंकिंग में टॉप 10 में शामिल हो गए हैं। सऊद शकील 20 दर्जे की तरक्की के बाद आलमी तौर पर 7वें नंबर पर, जबकि नुमान अली 8 दर्जे तरक्की करके 9वें नंबर पर आ गए हैं। टेस्ट बैटिंग में इंग्लैंड के जो रूट की पहली पोजीशन बरकरार है, जबकि न्यूजीलैंड के केन विल्सन दूसरे नंबर पर मौजूद हैं। इसी तरह भारत के जसविल 1 दर्जे तरक्की के बाद 3रे नंबर पर आ गए हैं और विराट कोहली 6 दर्जे तंजीली के बाद 14वां नंबर पे चले गए। टेस्ट बैटर्स की रैंकिंग में पाकिस्तान के साबिक कप्तान बाबर आजम 1 दर्जा तरक्की करने के बाद 19 से 18वें नंबर पर आ गए हैं। टेस्ट बॉलर की रैंकिंग में इंडिया के जसप्रीत बुमराह की पहली पोजीशन छिन गई है। नई रैंकिंग के मुताबिक जनूबी अफ्रीका के रिबदार टेस्ट क्रिकेट के नंबर 1 बॉलर बन गए हैं। उनकी रैंकिंग में 3 दर्जे तरक्की हुई है। जसप्रीत बुमराह 3रे नंबर पर चले गए और ऑस्ट्रेलिया के जोश बजील वॉर्ड 1 दर्जा तरक्की करके 2रे नंबर पर आ गए हैं। इंडिया के रोहित चंद्रन अश्विन 2 दर्जे तंजीली के बाद 4थे नंबर पर चले गए, जबकि पाकिस्तान के नुमान अली 8 दर्जा तरक्की के बाद टॉप 10 में शामिल हो गए हैं। उनकी टेस्ट बॉलर में 9वें नंबर पर पोजीशन है। पाकिस्तान के साजिद खान 12 दर्जा तरक्की के बाद 38 नंबर पर आ गए हैं, जबकि टेस्ट ऑलराउंडर में इंडिया की रुंदेरा रजीदा की पहली पोजीशन बरकरार है।